नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन केडिया एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई क्लास लेके। कोरोना की वजह से टोटल लॉकडाउन है, इसलिए आज अपने घर की टेरेस पे ही एक और क्लास करते हैं। आज की क्लास है वेट लॉस के लिए। सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, कोई बाहर नहीं जा पा रहा, तो ज़रूरी हम थोड़ा अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि विदाउट अपनी बैक को इंजर्ड करे, विदाउट किसी स्टिफनेस के हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, अपनी कोर की एब्स की एक्सरसाइज योग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हम काउंटर पोजेस करें जिससे कोर की एक्सरसाइज के बाद हमारी बैक स्टिफ ना हो और सारा कंसंट्रेशन हमारी कोर पे आए। चले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेचिंग, बोथ हैंड्स अप, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, स्ट्रेच करें अच्छे से, राइट साइड स्ट्रेच, सेंटर, लेफ्ट साइड स्ट्रेच, सेंटर, फिर से एक बार राइट साइड स्ट्रेच, सेंटर, लेफ्ट साइड स्ट्रेच, सेंटर। हाथों को खुले आ गया जाए, धीरे से वापिस आए, बैठे राइट हैंड लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, स्ट्रेच करें साइड से, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, हैंड डाउन, लेफ्ट से राइट नी को पकड़े, राइट हैंड अप एंड स्ट्रेच कर जाए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, सेंटर, बोथ हैंड्स अप, झुके आगे, सर लेके आए फ्लोर के पास, होल्ड रखें, बोथ हैंड्स अप, हाथ लेके आए पीछे कमर के, डीप इनहेल, कमर उठाए अपने आप, धीरे से डाउन, राइट एल्बो फ्लोर पे, लेफ्ट हैंड अप, स्ट्रेच एंड बैक, लेफ्ट एल्बो डाउन, राइट अप, स्ट्रेच एंड डाउन, नेक को रोटेट करें, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, नीचे नीचे से करें, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, सेंटर, हाथों को इंटरलॉक करें पीछे, स्ट्रेच करें, हाथ आगे लाएं, स्ट्रेच करें, राइट हैंड से पकड़ें, राइट पैर का अंगूठा आउट कर दें, होल्ड रखें, 1, 2, 3, 4 and 5, लेग बैक, लेफ्ट लेग आउट कर दें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, लेग बैक, राइट लेग फिर से आउट करें एक बार, 1, 2, 3, 4 and 5, लेग बैक, लेफ्ट लेग आउट करें फिर से एक बार, 1, 2, 3, 4 and 5, लेग बैक, बोथ हैंड्स अप, झुके आगे एक बार, डीप इनहेल अप, हैंड डाउन, दोनों हाथ इंटरलॉक करें इसके आगे, रोलिंग स्टार्ट करें, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल बैक एक्सेल फॉरवर्ड, 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 अच्छे से वार्म अप करें अपनी बैक को, अपनी कमर को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। धीरे से बैठे और यहीं से कैट पोज में आ जाएं, हाथ बिल्कुल शोल्डर के नीचे, पैरों में थाइस जितना गैप, डीप इनहेल, कमर दबाएं एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अब इसी पोजीशन में एक्सेल कर रखा है हमने, पेट सके ना हमारा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यहीं से इनहेल करें
और कमर को दबाते हुए हल्का सा आगे आए, एक्से पेट को सकिन करा, बैक को सी शेप में लाए, पीछे गए। बहुत रिलैक्सिंग लगेगा आपको। इनहेल, कमर दबाई मैंने, आगे आराम देखे, सांस ले गहरी, एक्सेल, पेट को सकिन करा, मैं पीछे जा रहा हूं। इनहेल, एक्सेल, पीछे आए, फील पे, सर फ्लोर पे, हाथ सामने सच, सेंटर, राइट लेग पीछे स्ट्रेट करें, लेफ्ट हैंड सामने, होल्ड रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट नी को लेके आए अपने हेड के पास और लेफ्ट हैंड को एल्बो को बैंड करते पीछे लेके जाए, 1, 2, and back, 3, and back, 4, and back, 5, and back, 6, and back, 7, back, 1 last, 8, back, hand down, leg down, left leg को straight करें, अब की बार बिल्कुल सीधा, right hand सामने hold रखें, 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, left knee को लेके आगे, 1, and back, 2, back, एक्सेल करते हुए 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, back, 6, back, 7, back, 8, back, hand down, leg down, पंजों को इन करें, स्ट्रेच, पर्वतासन में आया मैं, एड़ी फ्लोर पे लगी हुई है मेरी, अगर एड़ी ना लगे तो पैर को आगे लाके इस तरह से, फिर अपनी एड़ी जरूर लगाएं, स्ट्रेच, इसी पोजीशन में प्लैंक पोजीशन में आए, नी रखे फ्लोर पे, चेस्ट, चिन, पंजा डाउन, डीप इनहेल अप, पंजा इन, वापस पीछे, एक बार फिर से, नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, पंजा डाउन, डीप इनहेल अप, पंजा इन, बैक, फिर से एक बार, नी, चेस्ट, चिन, पंजा डाउन, डीप इनहेल अप, पंजा इन, बैक, राइट लेग ऊपर उठाए मैक्सिमम, दोनों हाथों के बीच में रख दे राइट लेग को, बोथ हैंड्स अप, होल्ड रखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, इसी पोजीशन में राइट हैंड सामने कर दिया मेरा, मेरा राइट लेग आगे है, नी बैंड है, राइट हैंड सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, लेफ्ट हैंड को लाए, अपने राइट हैंड के बगल में रखा और अपने राइट हैंड को ऊपर उठा दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, हैंड डाउन, लेग बैक, स्ट्रेच, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाए मैक्सिमम, दोनों हाथों के बीच में रखे, बोथ हैंड्स अप, होल्ड रखे, 1, 2, 3, 4, सांस ले, 5, 6, 7, and 8, हाथ सामने कर दे, लेफ्ट लेग आगे मेरा, लेफ्ट हैंड हाथ को देख रहा हूं मैं, 1, 2, सांस जरूर ले, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, राइट हैंड को फ्लोर पे रखें, लेफ्ट हैंड ऊपर उठा दें, होल्ड रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, हैंड डाउन, लेग बैक, स्ट्रेच, नी बैंड, जंप फॉरवर्ड, बैठें,
और लेट जाएं। हाथ था इसके बगल में, दोनों पैर ऊपर उठाए अर्धासन में, राइट पैर नीचे लेके आए, वन एंड टू, गैप देखें मेरे पैर का कितना, इस गैप को मेंटेन रखें, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी। अब क्रिस क्रॉस करेंगे पैरों को, मेरे पैर का गैप देखें, वन एंड टू, मैक्सिमम आउट करके पैरों में भी बीच में भी गैप बना के रखें, वन एंड टू, थ्री एंड बैक, फोर एंड बैक, फाइव एंड बैक, देखें जरा गैप, सिक्स एंड बैक, सेवन बैक, एट बैक, नाइन बैक, वन लास्ट, टेन बैक, पैरों को सामने होल्ड, हाथ सामने होल्ड, होल्ड रखें, वन, 30 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए बॉडी आपकी, टू होल्ड रखें, फील करें, थ्री फोर सेंसेशन फील करें अपने एब्स में, अपने कोर में, फाइव सिक्स सेवन एंड डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लें, इनहेल एंड एक्सहेल, उठे वापस अपने पेट के बल आए, टर्न करें, लेटे, हाथ आपके चेस्ट के बगल में, पीछे पैर मिले हुए, ये काउंटर पोज है, जब हम आगे की तरफ करते हैं एक स्टिफनेस क्रिएट होती है हमारी बैक में, टेंशन क्रिएट होती है, उसको रिलीज करने के लिए डीप इनहेल, स्ट्रेच करें अच्छे से अपने स्टमक को, अपनी कमर को, यहीं से पंजे इन करें, बैक पीछे जाएं, ईड़ियां उठाएं मैक्सिमम अपनी, हील अप हील डाउन, फिर से प्लैंक पोजीशन में आए, नी डाउन चेस्ट डाउन चिन डाउन, पंजा डाउन, डीप इनहेल अप, पंजा इन, बैक एक बार फिर से, राइट लेग लेके आए दोनों हाथों के बीच में, बोथ हैंड्स अप, अब यहीं से अपनी चेस्ट को अपनी थाई से लगाए इस तरह से, वन एंड बैक, टू एंड बैक, थ्री एंड बैक, फोर बैक, नी को आगे वाले स्ट्रेट करा मैंने, हाथ सामने ले आया, मेरा राइट लेग आगे है, नी को बैंड करें, वन एंड बैक, टू एंड बैक, थ्री एंड बैक, फोर बोथ एंड डाउन, लेग बैक स्ट्रेच, लेफ्ट लेग लेके आए दोनों हाथों के बीच में, बोथ हैंड्स अप, अब सेम इसी पोजीशन में मेरा आगे लेफ्ट लेग है, अब चेस्ट को लगाएं थाई से, वन एंड बैक, टू हाथ फैला रखे मैंने, चेस्ट लगी है मेरी, एंड बैक, थ्री एंड बैक, फोर बैक, लेग बैक, नी को स्ट्रेट करा मैंने, मेरा लेफ्ट लेग आगे है, लेफ्ट हैंड सामने, नी को बैंड करें, वन बैक, टू बैक, थ्री बैक, फोर बोथ हैंड डाउन, लेग पीछे लेके गए, लेग बैक, नी बैंड, जंप फॉरवर्ड, बैठें और लेट जाए। अब क्या करना है, दोनों पैरों को आपने ऊपर उठाया, हाथों को भी ऊपर उठाया, नी को बैंड करें, हाथ बिल्कुल सीधे, हाथ नहीं हिलेंगे, हाथ फिक्स है और बिल्कुल 90 डिग्री के बजाय हल्का सा पीछे की तरफ है,
अब अपने हिप को हल्का सा उठा के अपने ट्राइसेप या एल्बो से टच करें, इस तरह से देखें वन एंड बैक टू बैक। नीचे नहीं जाना, पैरों का सीधा नहीं करना, सीधा करेंगे तो लोअर बैक पे प्रेशर आएगा। अभी आप सिर्फ हिप उठा रहे हैं, सारा प्रेशर आपके कोर पे रहेगा विदाउट अपनी बैक को इंजर्ट करें, आप सारा कॉन्सेंट्रेशन अपने पेट पे कर पाएंगे। थ्री बैक, फोर बैक, फाइव, हल्का सा रुकने के साथ हल्का सा होल्ड, सिक्स एंड बैक, हल्का सा 2 सेकंड रुके एंड बैक, एट एंड बैक, नाइन एंड बैक, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, और लास्ट 20। पैर को सीधा कर दें सामने, हाथ भी आपके सामने 30 डिग्री एंगल होल्ड रखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड डाउन। फील करें सेंसेशन को अपने स्टमक पे, इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लें, इनहेल एंड एक्सहेल, यहीं से घूम जाएं, हाथ आपके चेस्ट के बगल में पंजे मिले, फिर से जो टेंशन क्रिएट करिए उसको रिलीज करते हैं हम, डीप इनहेल आप पर देखें आईब्रो सेंटर में, पंजा इन करें, पीछे जाएं, स्ट्रेच, हील उठा दे अपनी मैक्सिमम अप, हील डाउन, राइट लेग लेके आए दोनों हाथों के बीच में, बोथ हैंड्स अप, फिर से एक बार चेस्ट लगाएं थाइस से, वन एंड बैक, टू एंड बैक, थ्री एंड बैक, फोर बैक, लेग बैक, हाथ सामने, मेरा राइट लेग फ्रंट में है, नी बैंड करें, वन बैक, टू बैक, थ्री, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें, फोर, अब इसी पोजीशन में पीछे मेरा लेफ्ट हैंड, पीछे वाले पैर पे रखा मेरे लेफ्ट लेग पे, राइट हैंड अप, वन, अब इसी पोजीशन में हाथ रखें फ्लोर पे, पीछे वाला हाथ कान के पास, बैक, फिर से एक बार, टू बैक, फिर से एक बार, थ्री हैंड डाउन, दूसरा हाथ भी आया फ्लोर पे रखें, लेग बैक, स्ट्रेच, लेफ्ट लेग लेके आए फ्रंट में, लेफ्ट लेग बैंड है मेरा, दोनों हाथ ऊपर, फिर से लेग चेंज करके चेस्ट लगाएं, वन एंड बैक, टू एंड बैक, थ्री एंड बैक, फोर बैक, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, हाथ सामने, नी को बैंड करें, वन बैक, टू बैक, थ्री बैक, फोर, पीछे वाला हाथ रखा मैंने पीछे वाले पैर पे, आगे वाला हाथ अप, वन, ऊपर वाला हाथ रखा नीचे, पीछे वाला हाथ मेरा राइट हैंड कान के पास, एंड बैक, फिर से एक बार, टू एंड बैक, वन लास्ट, थ्री बैक, हैंड बैक, लेग बैक, स्ट्रेच, नी बैंड, जंप फॉरवर्ड, बैठें और फिर से एक बार लेट जाएं। अब की बार
हाथ रखेंगे हम सर के पीछे इस तरह से इंटरलॉक करके, पैरों को बैंड किया, अपनी एड़ियों को मिलाया, नीज आपके ओपन है, अपने हेड को ऊपर उठा। अब इस तरह से हेड को कहाँ से लाना सर, आपका स्टिल है, आपका हेड नहीं लगा। आप ऐसे करते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोर मारते हुए अपनी गर्दन को इंजर्ट कर लेते हैं, नेक स्टिफ हो जाती है, बैक स्टिफ हो जाती है। इस पूरी रूटीन में इन दोनों में से कोई पार्ट स्टिफ नहीं होगा, पर मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। तो पर उठो, हाथ सर के नीचे इस तरह इंटरलॉक करके हेड नहीं लगा सिर्फ पैरों को, कोशिश करें अपने बड़ी नीज को अपने ट्राई से टच करो बाल, तो सिर्फ पैरों भी मूवमेंट है, हेड स्टिल है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, धीरे से नीचे आए, फील करें आपके कोर में सेंसेशन, हल्का सा पेन फील करें, आपकी बैक बिल्कुल भी स्टिफ नहीं होगी इस वक्त, ना आपकी नेक स्टिफ होगी, दोनों पैरों को बैंड करें, हाथ रखें थाइस के बगल में, आपकी बार सांस ले गहरी भी इनहेल, कमर उठा अपने आप होल्ड रखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, कमर नीचे, दोनों नीज लगाएं स्टमक से, सर लगा दें नीज से, होल्ड रखें, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड सिक्स एंड सेवन एंड एट, पैरों को सीधा करें, राइट लेग को बैंड करें, इसके दबाए स्टमक से, सर लगाओ नीज से, होल्ड रखें, वन टू, दूसरा पैर आपका 30 डिग्री अप, थ्री फोर, सांस जरूर लें, फाइव, सांस लेते रहें, सिक्स सेवन एंड एट, गर्दन नीचे, इसी पैर को सीधा करें, पकड़े काफ मसल, पीछे सर लगा दें नीचे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, गर्दन नीचे, पैर को बैंड करें, क्रॉस करके गिराएं, गर्दन घुमा के अपने राइट हैंड को देखें, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, लेग बैक सीधा करते हैं, लेफ्ट नी को बैंड करें, कसके दबाएं, सर उठाएं, नीचे लगाएं, दूसरा पैर 30 डिग्री अप, होल्ड रखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नेक डाउन, पैर को सीधा करें, काफ मसल पकड़ो, पीठ के सर लगाओ, नीचे से, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड सिक्स एंड सेवन एंड एट, नेक डाउन, पैर को वापस बैंड करें, क्रॉस करके गिराएं, मेरा राइट हैंड लेफ्ट लेग पे है, लेफ्ट हैंड आउट है, हाथ को देखें, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड सिक्स एंड सेवन एंड बैक, पैरों को सीधा करें, पैरों में 2 फिट का गैप, हाथों में 1 फिट का गैप, आंखें बंद, सांस लें, हेल एंड एक्सेल, सांस लें, इनहेल एंड एक्सेल, टर्न करें, सीधे हाथ का सहारा लेके उठ के बैठे दोस्तों, इस क्लास को करने के बाद सिर्फ कोर जिसके लिए आप इस रूटीन को कर रहे हैं, सिर्फ वहीं पे आप स्टिफनेस फील करेंगे या पेन फील करेंगे, आपकी बैक जो ज़्यादातर लोग करते हैं कोर मारते हुए, रंचेस मारते हुए अपनी बैक को भी इंजर्ड कर लेते हैं, इस क्लास में बिल्कुल भी बैक में कोई स्टिफनेस नहीं होगी आपकी, नेक में कोई स्टिफनेस नहीं होगी आपकी, इस क्लास को करें, आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा और बहुत अच्छा फील करेंगे आप। कोई भी सवाल हो आपका तो आप मुझे सचिन केडिया 19@gmail.com पे
मेल भेज सकते हैं sachinkedia19@gmail.com। मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपको ये क्लास अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और नई से नई क्लास लेके आपके लिए आ सकूं। योग करें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।